चाचू हम कितने दिनों से आपसे कह रहे हैं हमें स्टोरी सुनाइए, आप बहाने बनाकर पतली की निकल लेते हैं। ठीक है, आज बहाना नहीं चलेगा। स्टोरी सांभर बीचे, कई स्टोरी? भूत की स्टोरी। भूत की स्टोरी? हाँ चाचू, मैं स्टोरी सुना तो दूं लेकिन तुम बच्चे हो ना, डर जाओगे। चाचू पहले स्टोरी सुनाइए फिर देखते हैं डरता कौन है, हम या आप। अच्छा ये बात है तो ठीक है। एक गांव था। सुनो राघव, सु करे छे बेटा। स्टोरी सुना रहा हूँ माँ। कौन सी स्टोरी? भूत की। भूत की स्टोरी? ये खुद भूतों से डरता है फिर भी भूत की स्टोरी बताएगा, भूत की पिक्चर देखेगा, भूत की तरफ बर्ताव करेगा। तुम ही उसे कुछ समझाओ ना, ये सब बातें करके रात को मुझे परेशान करेगा। समझाना बेटा तू उसको। मुझे भूत की स्टोरी नहीं आती। बैल की तरह खाना बंद कर और उसे बुला। राघव भैया आओ। ए, मैं डर नहीं रहा हूँ, बहादुरी से स्टोरी सुना रहा हूँ। वो बहादुरी दिखा रहा है और तुम मुझे उसे रोकने को कह रही हो। गांडो न थी आवी जैसे माँ। तुझे पता नहीं क्या, उसकी बहादुरी 2 मिनट की है, उसके बाद कूद कर मेरी कमर पे बैठ जाएगा। एक गांव था। आगे क्या होगा वो बताओ ना, कब से गांव पे अटके हुए हो? ये बड़ी जल्दबाजी है तो जा ना, हमारी लिंक टूटी जाए समझो ने। अगर डर लग रहा है तो आगे आ जाओ, मेरे पास आओ ना बच्चो, यहाँ आ जाओ। और उस गाँव में एक बड़ा सा बंगला था और बंगले में ये अब ठीक है। मुझे तुम दोनों की बहुत फिकर है ना, तुम्हें डर ना लगे इसलिए तुम्हारे बीच में बैठ गया। पास आओ ना, बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ ना, डरने की कोई बात नहीं, कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम्हें बाथरूम जाना है या फिर प्यास लगी हो तो अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो हम कहाँ थे बेटा? एक गाँव था। आराम से बोलो ना, ये साउंड इफेक्ट क्यों? ओके सॉरी। तो उस गांव में एक घर था। घर? ज्यादा होशियारी मत करो, पता नहीं कब सुधरेंगे। और उस घर में ठंडी कपकपाती हवा चल रही थी। हवा के साथ बिजली और बारिश भी थी। नहीं ये मेरी स्टोरी है ना, मेरी स्टोरी में सजेशंस मत दो, मैं भूल जाऊंगा तो मेरे भाई के बच्चे कान के नीचे मारूंगा। ए राघव जम्मा नहीं आओगे? आ रहा हूं मां, मैं स्टोरी भूल गया, शायद खाना खा के याद आ जाएगा। अरे कहां जा रहे हो? आप अगर भूल गए तो हम एक रियल स्टोरी सुनाते हैं। ये बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना सुनाओगे तो ही स्टोरी सुनूंगा। उसके बिना आपको डर नहीं लगेगा? अरे ज्यादा डर से कोई आदमी मर भी सकता है। बच्चों की तरह डरो मत। एक कब्रिस्तान में 2 जुड़वा भूत रहते थे। वो डिनर नहीं करते थे लेकिन 5 बोतल खून पीते थे। अरे यार मेरी तो 2 इंसान खाने वाले भूत से भी फटती है, ज्यादा डाइट वाले भूत को मत बुलाओ। रुको अब मेरी स्टोरी सुनो, तुम्हारी स्टोरी तो बिल्कुल लोरी जैसी है, मेरी स्टोरी डरावनी है जिसमें एक लंबे बालों वाली डायन है। स्टोरी में भूत कम था जो तुमने अब डायन को भी बुला लिया। हाँ, उसके सांप जैसे लंबे बाल थे, चमगादड़ जैसी आंखें थी, लाल सुर्ख लाल। भूख लगी है? जुबान जहरीली जुबान। चाचा आपकी जुबान क्या है? भूख लगी है? उस जहरीली जुबान से वो आने को सामने वाले का खून चूस लेती थी। देखा मैंने कहा था ना इसका फिर से शुरू हो गया। चले हट, जावा दे मने। बस आता ही होगा पेड़ पर चढ़ने। मम्मी 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 बचाओ मरी। राघव क्या कर रहे हो? बच्चों चुप करो, चलो खाना खाओ। बहुत मस्ती होगी। राघव कुछ तो सोच, अब तू बड़ा हो गया है। क्या, यही कि तू शादी के लायक हो गया है फिर भी बात बात पर मेरी कमर पे चढ़ जाता है। तेरी बीवी आएगी तो क्या सोचेगी बोल तो? उतर नीचे, गांडो थई गयो के कायरो की तरह मेरी कमर पे बैठा है। तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना बेटा, उतर नीचे। हाँ उतर बेटा, उतरना उतरना। मेरी कमर टूट गई। इन दोनों को सुबह देख लूंगा। चुप है। फिर से शुरू हो गया। माँ डर लग रहा है तुम्हारी बोल ना बैठता। राघव गधेड़ा ना छोकरो। भैया कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता तो भौंकेगा ही ना। कहते हैं जब कुत्ता भूत देखता है तभी ऐसे भौंकता है। राघव बस भी कर, अभी तो खाना शुरू किया है। चैन से खा नहीं तो दे, न रात को सोने देता है न चैन से खाने देता है। मेरी प्रॉब्लम है तो क्या करूं? ए मोटू लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से खाना खा। हाँ ठीक है चाचू। चाहिए ना, एक हफ्ते की छुट्टी है, इधर रहला ये तेज।
मेरी बहन कल यहाँ रहने आ रही है, उसकी छुट्टियाँ जो हैं। मन में लड्डू फूटा, चुपचाप खाना खा ले। भाभी काय रे? आपकी बहन काले आवे छे? नीचे। क्या वो अभी वैसी है जैसे मैंने आपकी शादी में देखा था उसे? नहीं 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 नहीं, अब तो वो बिल्कुल गोल्डन ब्यूटीफुल बन गई है, एकदम मॉडल। मॉडल लगती है, हाइट भी तुमसे ज्यादा है। चलेगा, स्टूल पे चढ़ जाऊंगा। तुमसे ज्यादा स्टाइलिश है। मैं स्टाइल चेंज कर दूंगा भाभी। उसका रंग भी बहुत गोरा है। कोई बात नहीं, मैं पाउडर लग। ए भाभी, काहे मुझे कुछ भी बोलो मगर मेरे कलर पे मत जाना। हाँ, अब बड़ी हिम्मत आ गई तुम्हें, बच्चों से स्टोरी सुनते वक्त डर के माँ की गोद में आ गए। चुपचाप खा अंडा। मुझे नहीं खाना खाना। माँ तुम चलो मेरे साथ। अरे क्या कर रहा है, मुझे खाना तो खाने दो। अरे नहीं खाना तो मत खाओ, उन्हें तो खाने दो। आ छोकरो, मैंने गांडो करी ना मुख से। बचपन से मुझे खिलाने और सुलाने के लिए भूत की स्टोरी सुनाती रही और अब इल्जाम मुझ पे डाल रही हो। ओए सुन, जाके सुसु कर ले या फिर डायपर पहन ले, मैं रात को उठने वाली नहीं हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। मर गई रे। अरे माँ, अब क्या? मैंने टॉयलेट जाऊ जे। अब क्या चेन भी खोल के देनी पड़ेगी? क्या मतलब? शर्म कर शर्म। अरे माँ, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो टॉयलेट करवाने के लिए तुम्हें बुलाने वाला हूँ? इतना दिमाग है तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? ताकि जब मैं टॉयलेट के अंदर रहूँ तो कोई भूत आकर मुझे पकड़ ना ले। कान के नीचे बजाऊंगी, चल अंदर। माँ तुम भी चलो ना। माँ छोड़ कर ले। माँ अब क्या हुआ? कोई गाना गाओ ना माँ। गाना गाने को कहा, डराने को गाना नहीं। ही तो गा रही हूँ। ये क्या गाना है? गाना सुन के सुसु रुक गया, कोई अच्छा गाना गाओ। ठीक है गाती हूँ। मुझे गीला करेगा, घूम जा। उबलता पानी, निकलता पानी, झरने का पानी, नदी का पानी, समंदर का पानी, जिस रंग में मिला दो वैसा पानी, पानी रे पानी। वाह माँ कमाल कर दिया। पानी, 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 hey, पानी, mom, you rock! पोस्ट ऑफिस बंद कर। क्या करूं मैं इस लड़के का? लोग बेडरूम में अच्छी चीजें सजाते हैं और ये जूते सजा रहा है। बचपन में तुम्हीं ने तो ये सिखाया था। अरे गधे, तब तू बच्चा था, बड़ा हो गया है। भूत बच्चा बूढ़ा किसी के भी अंदर घुस सकता है। ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है। अब कोई भी आत्मा बाउंड्री क्रॉस करके मेरे पास नहीं आ सकती। अगर आ गई तो हनुमान जी छे ने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतीहु लोक उजागर। हे भगवान, मेरी सारे भूत प्रेत चुड़ैल डायन आत्माओं से रक्षा करना। ओके माँ, सो जा। अगर तुमने मुझे सुबह 5 बजे उठाया तो मैं फटाफट तैयार होकर प्रिया को पिकअप करने जाऊंगा। चुपचाप सो जा और सोने दे, ड्राइवर जाकर उसे पिक कर लेगा। कौन सी रुत का इंतजार कर रहा है? कब से देख रही हूँ तुझे, कभी इधर कभी उधर। सू चाले छे? कुछ नहीं माँ, वो एक फ्रेंड आने वाला ऐसा था। ऐसा कौन सा फ्रेंड है तेरा जिसके स्वागत के लिए सुबह से खड़ा है? तेरे सारे दोस्तों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सुबह से नहा धो के परफ्यूम मार के खड़ा है हीरो जैसा, कोई तो बात है। मैं रोज नहा धोकर तैयार होता हूँ। आज का तैयार होना कुछ अलग है, मुझे मत सिखा। दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा, कुछ तो खांड भी पक रही है। मेरी माँ दिन ब दिन बहुत चालाक हो रही है, अब तक आई कैसे नहीं? माँ, प्रिया आली, लौकर या। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि सुबह से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसे एक बार अंदर आने दो, फिर मैं कैजुअल एंट्री मारूंगा। टैन 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 टैन। ये मोरनी की तरह क्यों नाच रहा है? प्रिया, हाय। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आशीर्वाद दीजिए। चले शादी हो जाए और 100 बच्चों की माँ बन तू। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। मैंने पढ़। हाय मासी। हेलो मासी। ये बड़े पैक में छोटा बच्चा। हाय। हाय। आज तुम हमारे घर अचानक कैसे आ गई? नौटंकी, जैसे किसे पता ही नहीं था ये आने वाली है। नहीं माँ, मैं तो वो बाहर जा रहा था और अचानक सामने ये नजर आ गई तो सुबह 5 का अलार्म क्यों लगाया था?
तो कैसा है सब कुछ? सब कुछ ना एकदम खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम कैसे हो? मुझे क्या हुआ, हूँ तो फाइन छो। वैसे तुम्हारा ये ड्रेस सेंस एकदम जबरदस्त है, हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनो। वेरी नाइस, आई लाइक इट। प्रिया, यहाँ आने के लिए कोई और कपड़े नहीं पहन सकती थी क्या? दीदी, तुम्हारे यहाँ आना था इसलिए तो मैंने इतने डीसेंट कपड़े पहने हैं, वरना घर पर तो मैं इनसे भी छोटे कपड़े पहनती हूँ। अरे वाह, तुम तो इन लंबे कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। इन कपड़ों में छुपता कम दिखता ज्यादा है। क्यों क्यों, कितना मुलायम है, क्या खराबी है इसमें? जवानी में ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो क्या मेरी उम्र में पहनेगी? और नहीं तो क्या? मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने दिए मेरे पति ने, वरना मैं भी क्या लगती। वैसे मैं भी कोई बम से कम नहीं थी। माँ, तुम भी ऐसे कपड़े पहनती थी? राघव, तारी मानी, इमारत पुरानी है लेकिन बुनियाद अभी भी मजबूत है। टेरिबल, क्या मतलब है तुम्हारा? आई मीन टेरिफिक। कॉम्प्लीमेंट मत दे, मैंने शर्म आवे छे। भाभी, काहे भैया से शादी होने से पहले आप भी ऐसे कपड़े पहनती थी? देवर जी, कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा होता है। वैसे तुम्हारा ये लुक बहुत अच्छा है। प्रिया, तू जाके फ्रेश हो जा, जा जा बच्चों, मासी के साथ जाओ। बाय प्रिया। सब कुछ बताना। भाभी जरा यहाँ आना। कैसे हो? वैसे तो मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, लेकिन आते वक्त अगर प्रिया की पसंद का कुछ लाना हो तो हूँ ले आविश। मैं इतने सालों से इस घर में हूँ, मेरे लिए तो कभी एक छोटा गिफ्ट भी नहीं लाए। भाभी, आप दोनों में फर्क है ना? आप मेरी भाभी है और प्रिया वो तो ड्रीम गर्ल है। बस कॉम्प्लीमेंट था। एक टिप दो देवर जी, उसे गिफ्ट पसंद नहीं, समंदर किनारे घूमना पसंद है। पर आज मैं बीच नहीं खरीद सकता। देवर जी, आज आप बैटिंग की प्रैक्टिस कर लो, कल तुम दोनों बीच पे क्रिकेट खेलना। ओके, बीच, यू मी एंड बीच। आ गए तुम? क्या यार, मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाकर यहाँ खम्बे जैसे क्या खड़े हो? अरे यार, यहाँ बिल्डिंग बनने वाले, उसी का काम चालू है। बिल्डिंग बनने वाली है? जब भी मैं खेलने के इरादे से घर से निकलता हूँ ना, तो मेरे बैट और बॉल के बीच कोई नहीं आ सकता। ए, किसी को कोई नया ग्राउंड मालूम है क्या? अरे अरे अरे, याद आया, यहाँ पास में एक ग्राउंड है राघव, बहुत दिनों से खाली पड़ा है, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। अगर साफ सफाई कर दें तो अपन खेल सकते हैं। ओके। अरे और कितना टाइम लगेगा यार? अरे पहुँच गया यार, ये रहा वो ग्राउंड। क्रिकेट रमवा माटे शू फर्स्ट क्लास ग्राउंड छे। यार यहाँ तो सिक्स मारने में भी बड़ा मजा आएगा। ए, ये ले, मानी मार, आ जाते तू भी ले। हाँ। हाँ चल मार। अबे जोर से मार, जमीन सख्त है, दम नहीं है क्या? रुक जा रुक जा रुक जा। अब मार, जोर से मार, जोर से। अरे जरा जोर से मारना। बैट मने आप, मैं ठोकता हूँ। ये ऐसे नहीं होगा, कोई भारी चीज चाहिए। जोर लगा के आयशा। जा बॉलिंग कर। ये सब क्या हो रहा है भाई? आसमान में काले बादल छा गए, यार कोई भूत वो तो नहीं? अंधेरे में क्रिकेट खेलना जरूरी है क्या? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे Oh, my God.
जैसे ही हमने खेलना शुरू किया वहाँ पर तूफान आ गया। आउटफिट माँ एकदम हिट लग रही हो। ये बदबू कहाँ से आ रही है? कामाक्षी आई हो? अहो कायजाला आ रही हूँ। क्या हुआ? इस बैग से कितनी गंदी बदबू आ रही है। ओ खूपस घाणवास ये तो या बैगतुन। मैंने क्या अंग्रेजी में बोला? तुम्ही राघव हो नका। आप चलिए खाना खाइए, मैं देवर जी से पूछती हूँ उन्होंने बैग में क्या रखा है। मैं अभी साफ कराती हूँ, आप बैठिए। देवर जी जल्दी आइए। अभी अभी आया। आउचू, आउचू। आपके बैग से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? अच्छा, मेरी बैग से? और गंदी बदबू? लगता है सुबह से कोई मिला नहीं आपको। भाभी नए ग्राउंड पर खेलने गया था वहीं की बदबू होगी। चटनी कहाँ है? भैया बुला रहे हैं, आप जाइए ना। जाइए, अभी लाई चटनी। मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया? माँ सॉरी। वांदो न थी। माँ जल्दी आओ ने। आओ चुनी जल्दी चाहिए। शांति ते जम्बा भी न थी। आओ ना माँ। कब से माँ माँ के रट लगा के रखी है। वो मुझे स्टंप और गार्ड धोने थे तो। तो क्या मैं बॉडीगार्ड बन के बाहर खड़ी रहूँ? जा जा जा। थैंक्स माँ। जल्दी जा। जा जल्दी। ये लाल लाल क्या लगा है? शायद वहाँ की मिट्टी होगी। माँ देखो बदबू गई ना। ची, दूर कराने। अरे रे रे रे, ये लड़का तो सरदर्द बन गया है। सत्यानाश है एनु। भाभी का है? सूंघ कर देखो। आपके पास भी तो नाक है, खुद ही सूंघ लो। राघव जी भैया, अपनी क्रिकेट बैग वहाँ मत रखो, स्टोर रूम में रखो। ठीक है भैया। जाके स्टोर रूम में रखिए। जाइए भैया की चमची। जाता हूँ। काइसाला माँ। बेटा कामाक्षी, तूने भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनी क्या? हाँ, आवाज यहीं से आ रही थी। मैंने तो कुछ नहीं सुना, हम तो सो रहे थे। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ। बर... जा। कौन छे? कौन बेसुरा गा रहा है?
कोण हसे ची त्या जिसके अंदर डर होता है ना वो अपनी परछाई से भी डर जाता है। मैं भी अपनी परछाई देखकर डर गई। ये सब तो मेरे मन का भ्रम था। मैं भी क्या क्या सोच रही थी, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। डरना आ गई तुम्हारी चीचे। शुभ यहाँ क्या कर रही है? शुभ, शुभ, शुभ क्या हुआ? क्या हुआ बोलना, बोलना। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है तू? दीदी मैं तो अंदर सो रही थी दीदी, मैंने अजीब से चीखने की आवाज सुनी इसलिए मैं देखने बाहर आई दीदी, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ बढ़िया ही झांसी की रानी, मैंने भी किसी की गाने की आवाज सुनी। कुत्ते या बिल्ली रो रहे होंगे, उसके लिए बाहर भटकने की क्या जरूरत है? तुझे अगर इस पोज में किसी भूत ने देख लिया तो उसे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। जा जाके चद्दर ओढ़ के सो जा। नहीं दीदी, वो जरूर कोई बुरी आत्मा थी। अरे इतना दिमाग काम में लगाया कर। अरे कोई आत्मा आत्मा नहीं है, चुपचाप जाके सो जा। आएगी तो मुझे देखकर वो भी डर जाएगी। टेंशन में लग रही थी इसलिए मैं आपके पीछे आपको देखने आ गई, पर आप तो देवर जी से भी ज्यादा डरपोक निकली और मुझे भी डरा दिया। जूता खाएगी मेरा, उठा मुझे। हाँ उठाती हूँ, आइए उठिए उठिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे पैर क्या पकड़ रही है, हाथ पकड़ हाथ। हाथ दीजिए, आइए। मर गई। आप इतना क्यों डर गई थी? अरे ये भूतनी है ना अपनी, खुद भी डरी और मुझे भी डरा रही है। ये मोटी बोल रही है इसने भूत देखा। भूत चिल्ला मत, राघव ने सुन लिया तो अभी दौड़ता आएगा। देवर जी आप गलत पेड़ पे चढ़ गए हो। पेड़ से फर्क नहीं पड़ता भाभी, बस भूत से बचना चाहिए। आपके भैया देखेंगे तो मेरी चटनी बना देंगे। सॉरी भाभी, भाभी सॉरी। मैं नीचे मेरी पैर नीचे रख, नीचे रख पैर, बोला ना। देवर जी आप उस पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ते, वो मजबूत है। पेड़ रुक जा। मासी कैच कैच, ये भी ब्लू मैं भी ब्लू, कम ऑन थ्रू, एकदम मैचिंग कपड़ा से मेड फॉर ईच अदर। इस तरह क्या घूर रहे हो? तुम्हारा ये ठंडा ठंडा कूल कूल लुक बहुत पसंद आया। ए बच्चों यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। क्या हुआ चाचू? तुम्हारी मम्मी नाश्ते के लिए बुला रही है, जाओ। चाची, चाची, बच्चे। प्रिया बच्चों के साथ खेलने के लिए ये ड्रेस सुवाच्य। मैं एक मॉडल हूँ, सब कुछ मॉडर्न ड्रेस में करूंगी और यही मेरा स्टाइल है। और मैं हूँ कॉमन मैन, सब कुछ कॉमन मैन की तरह करना मेरा स्टाइल है। शट अप। शट अप कह रही हो? इंग्लिश में बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? मेरी इंग्लिश कमजोर है। लड़की हंस रही है मतलब फंस रही है, अपने दिल की बात कह दे। तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो, ओह शर्माते हुए तो कमाल लगती हो। बस करो, ऐसे मुड़ती हो तब तो टनटनाटन लगती हो। चुप हो जाओ। भाभी आता काय झाला रे? कुछ बात करनी है। किस बारे में? थोड़ुक अर्जेंट मैटर छे। मुझसे नहीं हुआ आपसे जरूर होगा। क्या आपसे नहीं होगा जो मुझसे होगा? जो मुझसे नहीं हुआ वो आपसे होगा। जरा खुल के बताइए। भाभी देवर जी क्या कर रहे हैं? आपकी बहन का। मेरी बहन का क्या? आपकी बहन से बोलिए ना।
तुम्हारी बेना ने हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर लाइन मारने की? उसे आई लव यू बोला कि नहीं? भाभी आपके चरण कहाँ है भाभी? भाभी ने देवर ने बच्चे सुंदियो बने छे और गांडा ने लव गुरु बने छे। मैं तो इन्हें प्यार की टिप्स दे रही थी, इनकी और मेरी बहन की जोड़ी खूब जमेगी। समझी मां? चोड़ी वोड़ी तो ठीक है, लेकिन इसका कलर और उसका कलर साथ में मिल जाएंगे तो बच्चे कौन से कलर के पैदा होंगे? मेरी माँ हो ना? क्या मेरी असली माँ हो ना? है ना? अरे देख क्या मेरी गलती है, तुम्हारे पति काले थे, मेरी गलती है, इन्हें जन्म दिया ना मुझे। राघव नगर देवर जी, क्या करूं भाभी, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर कोई कलर पे कमेंट करे तो आग लगती है। आप तो प्यार की आग में जल रहे हो, पर क्या ये आग दोनों तरफ लगी है? सोचिए भाभी, वो छुट्टियाँ मनाने हमारे घर पर ही क्यों आई है? हम दोनों की आँखें मिल चुकी है, दिल मिल चुके हैं, बस इकरार करना बाकी है भाभी, और उसके लिए मेरे पास एक सॉलिड आइडिया। गुड मॉर्निंग। मैं अपनी छुट्टियां तुम्हारे साथ बिताने आई और मुझे छोड़कर तुम यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ गरबा खेल रहे हो? गरबा नहीं, डांस कर रहा था। गरबा भी एक तरह का डांस है। झापड़ क्यों मारा था? सॉरी। वैसे सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। आई लव यू। बेटा किसका है? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? चटनी में नमक ही नहीं है। यार डर के मारे मेरा बुरा हाल है और आप सपने में चटनी चाट रहे हो। उठिए ना, बात तो सुनिए। केम परेशान करे छे? वो जो घोड़ा है ना, वो अपने आप चल रहा है। घोड़ा खरीदा, मुझे बताया नहीं? अरे वो असली घोड़ा नहीं, लकड़ी का घोड़ा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। बेकार की बातें छोड़ो और आप मेरे साथ चलो। चलो ना। अच्छा चलता हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। कहीं आपको लगी तो नहीं ना? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। झूठ हुआ तो तुम्हें घोड़ी बनाऊंगा। मैं सच कह रही हूँ। पता है। चलिए चलिए, मैं दिखाती हूँ। हे भगवान, रक्षा करना। देखा देखा, मैंने कहा था ना, अपने आप हिल रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है, वरना ऐसा नहीं होता। हाँ छोड़ो। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अकेला मत छोड़िए, मतलब भी बढ़ते। ये तो रुक गया। कहानी खत्म? मैं भी कितनी पगली हूँ, ये तो हवा से हिल रहा था। लकड़ी का घोड़ा। हाँ पता है। हवा से हिल रहा था। समझ गई मैं। तो फिर मेरी नींद क्यों बिगाड़ी? मुझे माफ कर। आधी रात को दिमाग की चटनी बना दी तुमने। गलती हो गई ना। चुप कर, अगर फिर से मुझे उठाया ना तो तेरी चटनी बना दूंगा, समझी? मैं जा रहा हूँ, सोने उठाना मत। सबके सब अनाप शनाप कहानियां बनाते रहते हैं। नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए मेरा दिमाग कुछ भी सोचने लगा है, नहीं तो मैं भूत भूत। क्या? आप मुझे अकेला छोड़ के आ गए थे। चल, मुझे सुबह 5 बजे की बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है और तुम घोड़े के हिलने की टेंशन दे रही हो। आपने बताया नहीं बाहर जाने वाले? अब पता चल गया ना, सो जाओ। ठीक है।
क्या जाए छे तू? आज देवी सरस्वती की पूजा है तो दीदी ने मुझे साड़ी पहनने को कहा तो इसलिए। अच्छा ये बात है, बहुत कड़क लग रही हो इस साड़ी में। लेकिन साड़ी ऐसे नहीं पहनते, साड़ी मैं पहनाता हूँ ये ऐसे। आज घर में पूजा है ना, आज तेरी कंट्रोल देवा। अरे निकलो, क्या छो तुम्हें? राघव सामान लेके आप पूजा नहीं करनी है क्या? बाइक लाता हूँ। अरे बाइक क्या घर में लेकर आएगा, एक लौट दूंगी। छोटा मोटा सामान लेकर आ जिसकी पूजा कर सके। क्रिकेट बैट लाता हूँ। जा जल्दी आ। ए तुम्हारी पूजा हो गई क्या? पूजा ही तो कर रहे हैं। माँ सरस्वती मुझे मेरे सारे क्रिकेट मैच जिता देना ओके? अरे राघव मुझे ये नारियल फोड़ के दे। महंगी टाइल्स है। तो फिर कहाँ फोड़ू इसे? मेरे सिर पे फोड़, अपना दिमाग चला। रुक 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 रुक, ये ले जा फोड़ इसे। एक बार में फोड़ के दिखाओ तो मैं मानू। मेरे फटके से तुम्हें झटका नहीं लगा तो कहना, एक बार में ही फूटेगा। देखते हैं। What the power! Super! Super! नारियल फोड़ा। ला दे मुझे नारियल। ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है मुझे? मैंने नारियल के दो टुकड़े करने को कहा था, तूने तो इसकी चटनी ही बना दी। नहीं माँ वो क्या? आपके बेटे के पास ना सुपर पावर है, इसने एक झटके से नारी के टुकड़े कर दिए। हाँ माँ इतना पावर है मुझे भी नहीं पता था। पावर दिखाने के लिए मेरा ही नारियल मिला था तुझे, मेरा पावर दिखाओगे तुझे? हे भगवान अबे दूसरा नारियल कहाँ से लाऊं? तुम जाओ अंदर, मंदिर जाने का टाइम हो गया।